है दोस्तों, व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट स्टेप में। आपको अपने फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। देन आप लोगों को इस फोटो को थोड़ा एचडी करना है। इसके लिए आपको सिंपली पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सिंपली थर्ड लाइन का लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एचडीआर स्केप को। उसके बाद आपको पीपल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर स्ट्रेंथ को थोड़ा डिक्रीज करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। देन आपको ब्राइटनेस को थोड़ा डिक्रीज करना है। नेक्स्ट आपको नीचे जाके सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद पर्सन की फेस पे अप्लाई होगा। इसके लिए आपको इरेज करने के लिए फास्ट स्टेप में ऑप्शन में क्लिक करना है। देन आपको व्यू एडिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एचडीआर स्केप के ऊपर क्लिक करके ब्रश के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद आपको फेस के ऊपर पूरी फेस को इरेज कर लेना है। नेक्स्ट आपको हाथ को इरेज करना है, इस हाथ को। उसके बाद आपको दूसरी हाथ को भी इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ट्यून इमेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ब्राइटनेस नीचे जाके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आपको नीचे जाना है। देन आपको सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको नीचे जाके एम्बियंस को थोड़ा इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आपको नीचे जाना है। देन आपको शेडो को थोड़ा डिक्रीज करके आपको सिंपली कर देना है डन। नेक्स्ट में आपको पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिटेल को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। उसके लिए आपको डिटेल पे क्लिक करके स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। तो ये स्नैपसीड एप्लीकेशन में एडिटिंग कंप्लीट हो गया। आप बिफोर आफ्टर करके देख सकते हो। उसके बाद आपको इस फोटो को सिंपली लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। को सिंपली शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। ये लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन होने के बाद आपको बैक करके इसके ऊपर प्रीसेट को अप्लाई करना है। इसके लिए आपको सिंपली नीचे जाके आपको प्रीसेट को ऐड कर लेना है। इस प्रीसेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस प्रीसेट को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको इस प्रीसेट का सेटिंग को कॉपी करना है। इसके लिए आपको सिंपली थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको सिंपली नीचे जाके कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको ऑल को सिलेक्ट करके कर देना है डन। डन करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फास्ट जो फोटो ऐड किया था उस फोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको इस फोटो के ऊपर सिंपली सेटिंग को पेस्ट करना है। इसके लिए थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली पेस्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। नीचे ये अप्लाई हो गया है और फोटो थोड़ा जूम हो गया। इसके लिए आपको सिंपली क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है, थर्ड वाला ऑप्शन। देन आपको फास्ट ऑप्शन पे क्लिक करके ओरिजिनल को सिलेक्ट करके कर देना है डन। डन करने के बाद आपको थोड़ा एडजस्ट करना है। इसके लिए आपको नीचे जाके इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, मिक्स के ऊपर। देन आपको कलर्स पे क्लिक करके ऑरेंज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑरेंज के सैचुरेशन को और थोड़ा डिक्रीज करके देन लुमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करना है, 80 के आप रखना है। उसके बाद आपको येलो के सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आपको ग्रीन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ग्रीन के सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको ब्लू के ऊपर क्लिक करना है। आपको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको कल इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको ब्लैक्स को थोड़ा डिक्रीज करना है। उसके बाद आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको क्लैरिटी को थोड़ा डिक्रीज करना है, आपको 30 में रखना है। नेक्स्ट आपको विग्नेटिक को थोड़ा और डिक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे जाके मिड पॉइंट को थोड़ा इंक्रीज करना है, उसके डिक्रीज करना है। उसके बाद आपको नीचे जाके फेथर को थोड़ा इंक्रीज करना है, 90 में रखना है। उसके बाद आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में इस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली शार्पनिंग को थोड़ा इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आपको नीचे जाना है। देन आपको डिटेल को थोड़ा इंक्रीज करना है। डिटेल को इंक्रीज करने के बाद आपको नेक्स्ट नॉइस रिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे जाना है। देन आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करना है। कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करने के बाद लास्ट स्टेप में आपको कलर नॉइस रिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज करना है, 85 में रखना है। उसके बाद आपको नॉइस रिडक्शन को थोड़ा और इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, आपको नॉइस रिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज करना है। कलर नॉइस रिडक्शन को फुल इंक्रीज करने के बाद आपको नॉइस रिडक्शन को थोड़ा और इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको कर देना है डन। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर करके पहले के साथ और
कैसा यूनिक और प्रोफेशनल लग रहा है देखने में।